क्या ये बेटा दिल्ली भेजने वाला है। पार्सल? नहीं, हाँ कौन, क्या ओके पार्सल आई बेटा है? ये क्या ओके पार्सल बेटा आई है? वाच वाच क्या क्या बोले? फायरबॉल ग्लेडिएटर नाम है वो। फायरबॉल ग्लेडिएटर? पार्सल है बेटा, तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ध्यान से बेटा, स्मार्ट वॉच, फायरबॉल ग्लैडिएटर। फायरबॉल ग्लैडिएटर नाम है इसको बेटा, फायर बोल्ट ग्लैडिएटर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय जगन्नाथ। तो आप सब कैसे गाइस? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फाइनली गाइस, आज राज का स्मार्ट वॉच फाइनली डिलीवर हो गया है। लेकिन इस वॉच से पहले राज के पास ऐसे ही एक वॉच था जो उसका बड़ा भाई उसको गिफ्ट किया था, लेकिन राज की लापरवाही वजह से वो वॉच कहीं पर खो दिया है। तो फिलहाल स्कूल में दिक्कत आई तो टाइम देखने में, तो उसका पापा उसको उसके लिए मार्केट से 250 रुपये का एक वॉच लाए, लेकिन राज का मन इसमें नहीं भरा। तो वो हमको बिना बताए एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर किया था जो आज आ चुका है फाइनली। फोन करी तुम लोकेशन बताई पार मैं कौन अच्छ ब्लूटूथ जी अन्न थी ब्रांडेड ब्रांडेड बस 2000 टाँग ब्रांडेड नहीं आज गुड़ा हूँ 3000 एटा एपल वर्च अल्ट्रा कॉपीटा मार्केट जाए देखते बोलते भल होता कौ मार्केट जाए मार्केट कि भल मिल न था मार्केट कौट कम मिल कल भी आस कल आस कॉल करी पारी आपको इधरे कॉल तो ये ईयरफोन लगे थे यार अच्छा है क्या खुले वेट बहुत वेट है ना 65 ग्राम है नहीं रे बहुत बढ़िया हुआ चेहरे सचमुच बहुत बढ़िया ओहो, तो फाइनली गाइस, मैं सोच रही थी कि राज के पास स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए इतने सारा पैसा कहाँ से लाया। एक्चुअली गाइस, हम बच्चे लोग छोटे हैं ना, जो भी उसके उनकी ज़रूरत होते हैं वो हमसे मांग लेते हैं, लेकिन इतने कॉस्टली चीज़ कहाँ से लाया, कौन दिया और किसने दिया, वो हमारी कहाँ से इतने सारा पैसा लाया है। तो हम पेरेंट्स के हिसाब से सारी बात जाननी ज़रूरी है। लेकिन इस बार ये जो वॉच स्मार्ट वॉच ऑर्डर किया था उतना उसके अपने पापा को मांगा था ना मुझे मांगा था, तो फिर पैसा कहाँ से लाए, मैं ये सोच रही थी। एक्चुअली मुझे पता चला कि वो अपने पैसे और पॉकेट मनी कुछ सेव करके रखा था, जो कि फ़िलहाल उड़ीसा, अब मेरी छोटी बहन उड़ीसा आई थी तो साल में एक बार आता है, और वो अपने साथ जब जब भी उड़ीसा आता है तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो जॉब करता है बैंक में, तो वो थोड़ा लिमिट के टाइम पर आता है। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा देर रुकता है रंभा में, और बाबा के घर थोड़ा देर रुकता है, वो चला जाता है। लेकिन इस बार वो डिसाइड करके आया था कि मुझे अपनी फैमिली के ससुराल के रिलेटिव्स के घर थोड़ा घूमना है, और पापा के मेरे बाबा के घर रिलेटिव्स के घूमना है, और मेरी बहू उनके भी रिलेटिव्स के घर भी घूमना है। तो वो डिसाइड करके गाइज, राज और हमारी धनिजा उनके भाई बहन के बीच एक बात चल रही है, मैंने सुना तो मुझे बहुत हंसी आई। तो राज बोला है, दीदी इस बार बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है, नहीं
हमेशा हमेशा उनके साथ जाने से अच्छा होगा, पेरेंट्स के साथ जाने से बहुत कलेक्शन अच्छा होगा। तो हम जब भी वो अपने साथ बुलाएंगे कोई रिलेटिव्स के साथ, हम जरूर जाएंगे क्योंकि अच्छा कलेक्शन होता है। तो मुझे बहुत हंसी आई गाइस सचमुच कि बच्चे लोग भी बहुत अच्छा कलेक्शन होता है फैमिली के घर रिलेटिव्स के घर जाने में, ऐसे बात करते हैं। कलेक्शन कैसा हुआ रे बेटा ना, मुझे सब यहाँ से इतना पैसा मिला, इस मम्मी से इतना पैसा मिला, पासी के बुआ से इतना पैसा मिला, तो मुझे बहुत कलेक्शन हुआ है इस सारे पैसे का। वो सेव करके रखा था और कुछ पैसे उससे पापा ने भी उसको दिया था, तो ये सारे पैसे से राज स्मार्ट वॉच ऑर्डर कर पाए।